हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर हिंदी का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो प्लीज़ हमें बताइए कि बोर्ड एग्जाम में हम निबंध कैसे लिखेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर में। प्रश्न नंबर 9 जो होता है, ठीक है, प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और ये आपको मिलेगा 7 नंबर, ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को, ठीक है, बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखोगे। 22 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अब आप लोग जैसा मैं बताऊंगा वैसे अगर आप लोग निबंध लिखोगे ना, तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, 7 में 7 नंबर। मैंने एक टॉपर की कॉपी हमारे पास है जिसने फुल में फुल मार्क्स लाया है। ठीक है, फुल में फुल मार्क्स देख सकते हो, 7 में 7 नंबर। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, 2 निबंध के साथ बताऊंगा। एक हमारे पास और भी कॉपी है जिसमें एक टॉपर ने लिखा है, ठीक है, पूरा, ठीक है, ये देख सकते हो पूरा लिखा है और उसको भी मिला है 7 में 7 नंबर। तो दोनों कॉपी हमारे पास है और ये बहुत ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट निबंध भी हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक एक निबंध को देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां देखो, जैसे बोर्ड एग्जाम का ये पेपर है, जैसा 22 फरवरी को पेपर में आएगा सेम ऐसे ही आएगा आप लोगों का। पहला, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, सेम ही है, नो प्रॉब्लम, दोनों एक ही है। ऐसे आता है आतंकवाद का कारण एवं निवारण, ठीक है, एंड जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, ये 5 निबंध में से आपको कोई एक करना है और एक आप करोगे 7 मार्क्स आपको मिलेगा, कोई एक करना है 7 नंबर आपको मिलेगा। अब आपको जो 100% बिल्कुल याद है ना, वही आप लोग निबंध करना, जो 100% आपको बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमें 100% आता है और हम 7 में 7 ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला निबंध देखेंगे आतंकवाद जो है उसका कारण और निवारण, फिर हम लोग पर्यावरण का भी देखेंगे, लेकिन इसमें बच्चे ने 7 में 7 नंबर लाया है, तो ये हम लोग समझते हैं कैसे लिखा है, ठीक है, और आपको कैसे लिखना है। ठीक है, आतंकवाद कारण तथा निवारण सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूं बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, क्या करना है सब कुछ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाएगा, कॉपी दी जाएगी, सेम ऐसे पेपर आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी में यही निबंध आएगा भी, देख लेना कॉपी मिला लेना। ठीक है, यही निबंध आएगा। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है, तो सबसे पहला बच्चे ने हेडिंग डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 9 यानी कि 9 नंबर, तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करेगा तो वो डायरेक्टली भाई 9 नंबर क्वेश्चन डाला हुआ है तो वो 9 नंबर चेक करेगा। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा आसानी होगा, जितना ज़्यादा एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी आसान लगता है उतना ही ज़्यादा अच्छा नंबर देता है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखो दूसरा नंबर देखा है, कौन सा, दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ 2nd नंबर डाला है आतंकवाद कारण और निवारण, इससे देखो एकदम स्पष्ट है कि यही वाला निबंध लिखा गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन कौन से हेडिंग डिस्कस करना है, सबसे पहले देखो हर एक निबंध में सबसे पहले आपको प्रस्तावना, अब प्रस्तावना में ये बताया गया है और सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक तरफ ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और नीचे अपना रूल नंबर जरूर लिखना, जो कि बच्चे ने नहीं किया है, अपना रूल नंबर जरूर लिख देना, जो भी है 22, 43, 71, 93 जो भी है अपना लिख देना। ठीक है, ये रूल नंबर, और इससे आपकी कॉपी चेंज नहीं होगा। मान लो आपने बहुत अच्छे से लिखा है और कोई पैसे देकर चेंज करा दे तो ये नहीं हो सकता, अगर आपने हर एक पेज में ये लिखा है तो। ठीक है, ये जरूर कर लेना। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें डाला है रूपरेखा, रूपरेखा में हमने जो जो हेडिंग डिस्कस किया इस निबंध में वो बताया गया है। जैसे पहला हमने हेडिंग डिस्कस किया प्रस्तावना, फिर आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद की एक विश्वव्यापी समस्या, फिर भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का समस्या, उपसंहार, ये सारे हेडिंग्स हम लोग इस निबंध में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सारा हमने लिख दिया है जैसा टॉपर ने लिखा है, हमने जो हेडिंग डिस्कस किया इसमें लिख दिया। सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना, और कुछ भी आपकी इधर उधर ना होना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे। फिर आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना है, जैसे मनुष्य जो है भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, जो एक मनुष्य होता है, देखो एक ऐसा लिखना कि एग्जामिनर एक बार में समझ जाए, ऐसा नहीं कि आप पूरा कॉपी भरो, आप ऐसा लिखो कि उसका मीन्स निकले, उसका अर्थ निकले। ठीक है, कॉपी में ऐसे लिखो अट्रैक्टिव। ठीक है, देखो निबंध आपकी जो, देखो जो आपको आता है उसको लिखो, ये नहीं कहता कि आप वही लिखो, 5 में से कोई एक ही लिखना है ना, आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब 5 ऑप्शन में से कोई एक तो आता ही होगा अच्छे से,
नहीं आता फिर भी बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति करके करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए ये हिंसापूर्ण साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है और आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रस्तावना में ऐसा बताया गया है कि डायरेक्टली पता चल गया कि आतंकवादी होते क्या हैं और आतंक क्या होता है। ये मेन होता है प्रस्तावना, जिससे पता चल जाए कि भाई क्या चीज़ के बारे में बताया गया है और कैसे डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर हमने आतंकवाद का अर्थ लिखा, तो आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है और आतंक का अर्थ है पीड़ा व फिर आशंका, ठीक है। अब अगर मान लो आपका एक दो लाइन छूटता है तो उसको छोड़ देना, आपको अगला हेडिंग नेक्स्ट पेज में डालना है, ठीक है। एक दो लाइन नहीं देखना है कि हम नीचे ही डाल दो। और मेन चीज़ देखो, बच्चे ने ऐसा अंडरलाइन कर रखा है, देखो ये ब्लैक कलर से अच्छे से अंडरलाइन, देखो हर एक हेडिंग लग रहा है कि भाई अच्छे से लिखा गया है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ध्यान दो जो जो पॉइंट है वो पॉइंट ध्यान दो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करना, ब्लैक एंड ब्लू पेन का कंबाइनेशन होना चाहिए, कलर का यूज बिल्कुल भी मत करना और स्केच का यूज करना, स्किल की सहायता से अंडरलाइन करना जैसे बिल्कुल सीधी लाइन हो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, देखो आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, ठीक है। एक एक हेडिंग को अच्छे से ब्लैक से और फिर ये अंडरलाइन अच्छे से करा गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राइटिंग भी अच्छी है, तो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा लिखना, ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी लिख दो बाद में आपका एक घंटा पूरा रह जाए, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने भी किया था इंग्लिश के पेपर में। जब मैंने पेपर दिया तो मैं इतना जल्दी लिख दिया कि यार डेढ़ घंटे में पेपर खत्म हो गया था, फिर हमारे पास डेढ़ घंटे बचे थे, भाई क्या करता, ठीक है। तो ऐसा मत करना, धीरे धीरे लिखना, अच्छे से लिखना, टाइम बहुत होता है, अगर आपको आता है तो बहुत टाइम रहता है, ठीक है। तो आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं और ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीति स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवादी की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है, ठीक है। और किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी, राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी, रासायनिक हथियारों का प्रयोग बहुत तेज होगा, ठीक है। तो ये जब आतंकवाद होता है तो इसमें बहुत सारे बम वगैरह, रासायनिक पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें नष्ट होती हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इसलिए इसको फुल में फुल मार्क्स मिला है। और ऐसे ही आपको भी डिस्कस करना है, अगर ये निबंध है सेम ऐसे ही लिख देना, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। भारत में आतंकवाद स्वाधीनता के पश्चात भारत में विभिन्न भागों में आते हैं और आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है और इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की मौत के घाट उतार दिया है। इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया, मतलब त्यागपत्र दे दिया कि हमें अधिकारी नहीं बनना है, ठीक है, छोड़ देना है। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली है और कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तथ्यों द्वारा प्रेरित आतंकवादी द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर भयानक हत्याकांड पर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है भारत में आतंकवाद, ठीक है। जो जो हेडिंग डिस्कस किया है यहाँ रूपरेखा में लिखा हुआ है। अब हमने भारत में आतंकवाद डिस्कस कर लिया, अब हमें डिस्कस करना है आतंकवाद का समाधान और उपसंहार, ठीक है। तो सारी चीज़ें भाई बता रखा है। देखो आतंकवाद का समाधान कैसे करेंगे, नहीं आप नेक्स्ट पेज में करो, अगर आपका छोटा मोटा लाइन बचता है नेक्स्ट पेज में करो, नेक्स्ट हेडिंग अच्छे से ब्लैक से डालो और अंडरलाइन कर लो। भारत में विषमतम स्थिति तक पहुँचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देशों के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है, मतलब यह समस्या अभी भी अनसुलझी है, अनसॉल्व है, ठीक है। और इस समस्या का समाधान राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहाँ से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोट पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बाहर से ही तो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, ठीक है। तो तीसरे, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाले युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। तो ये है देश आतंकवाद का समाधान हम कर सकते हैं, उपसंहार लास्ट में हेडिंग और साथ में सात नंबर मिला है, देख लो। यह एक विडंबना ही है कि महावीर, बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की जन्मभूमि पहले पिछले दशकों से अत्यधिक शांत थी, बहुत शांत थी, और भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए रूप धारण कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं अशांति का प्रतीक है और कहीं ना कहीं इससे लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित भी हैं, ठीक है।
तो अब अगर आप ऐसे लिखोगे, मैंने जो जो बताया रूपरेखा, प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, ये हेडिंग अगर आपने डिस्कस कर दिया, अपने राइटिंग अच्छे से लिखा और हेडिंग अच्छे से बनाया, रूल नंबर वगैरह अच्छे से लिख दिया नीचे, और फिर ऐसे में एग्जामिनर जब एक बार देखेगा ना, दिल छू जाएगा और आपको कहेगा यार क्या बच्चा है, कितना अच्छे से लिखा है यार, टॉपर भी फेल हो जाएगा आपके सामने। लिखने का तरीका होना चाहिए, अंडरलाइन वगैरह अच्छे से करो, स्किल की सहायता से। बहुत सारे अच्छे हैंड से ही कर देते हैं, भाई जब स्किल है तो हैंड से क्यों कर रहे हो, आलस क्यों कर रहे हो, ऐसे करेंगे ऐसे बस ऐसे हो जाएगा भाई, टेढ़ा हो गया, मज़ा नहीं आया उतना। तो मेहनत करो, बट मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से लिखना भी सीखो, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, ज्ञाता हो विधाता हो, लेकिन अगर आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छे से नहीं लिखा, ये 7 नंबर कहाँ मिलेगा अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा, नहीं मिलेगा दोस्त, ठीक है। और साथ में आप क्या करो कि आप अच्छे से लिखो, ट्राई करो, आप अभी भी समय है, एक दो बार ट्राई करो। अब एक और हम लोग निबंध देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। और जो मैं आपको निबंध बता रहा हूँ ये 22 फरवरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखना तो ऐसा ही है ही, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है भी, यही लिखना भी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय या फिर पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट निबंध है, पर्यावरण समस्या और समाधान, ये नीचे अंडरलाइन होना चाहिए ब्लैक स्केच से, जैसे अभी नेक्स्ट बच्चे ने कर रखा था। नंबर तो अच्छा मिला है, इतने से कुछ नहीं होगा, मतलब इतना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कर देना चाहिए, ठीक है। रूपरेखा, हमने प्रस्तावना हेडिंग डिस्कस किया है, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और समस्या का समाधान और उपसंहार, ठीक है। एंड फिर हमने डिस्कस किया प्रस्तावना। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, ठीक, पर्यावरण को बचाया जाए, क्योंकि पर्यावरण से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम वहाँ से हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलता है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें पर्यावरण से, तो हमें उसे बचाया जाना चाहिए, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। हमारा जो पानी है, हवा है, जंगल है, मिट्टी है, ये सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनको पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए कि भाई पर्यावरण का हमारे लाइफ में क्या महत्व है, ठीक है। और जब उनको महत्व पता होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण को बहुत ही कम करेंगे, ठीक है। और यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और अगर हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो ऐसा टाइम आएगा कि मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, जीना ही मुश्किल हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ देखो, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। देखो इतने सारे अगर प्रदूषण फैलेंगे तो भाई जीवन संभव नहीं है, ठीक है। संतुलित वातावरण जिसमें बिल्कुल शुद्ध चीज़ें हों, ठीक है, तो संतुलित वातावरण में ही मानव का विकास संभव है। और पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। जो ये इतनी जल्दी जल्दी इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, ये पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ही मेन कारण है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी देखेंगे, अभी और है। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने वाले को प्रदूषण कहते हैं, और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है, कैसे, नंबर का वायु प्रदूषण। इस सारे प्रकार देखो कितने अच्छे से एक एक चीज को लिखा है, हेडिंग देखो, हेडिंग कितना अच्छा है यार, ऐसा लिखो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, और प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है, ठीक है। खा वाला है जल प्रदूषण, तो जल ही जीवन है, जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, और उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। भाई जल प्रदूषित होगा तो आप जल को इतना ज़्यादा पीते हो, तो इससे अगर कोई भी बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन खतरे में है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रकार। देखो आपको फिर है ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। रासायनिक प्रदूषण देखो, द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। समस्या का समाधान देख लो, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर आप वृक्षारोपण करते हो, वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हो, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। और दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो, तभी ये प्रदूषण खत्म होगा, वरना ये प्रदूषण खत्म होने वाला नहीं है।
साथ में 60 नंबर मिला है तो भाई अच्छा लिखा है तो ही मिला है, ठीक है। हर एक चीज देखो, लाइन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो लास्ट में उपसंहार है, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए थे और सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर जो है जाने का आदेश दिया जाए और यह संकल्प लें कि जीवन में अच्छे मतलब जीवन में जो है शुभ अवसर आने पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, ठीक है। तो अब आपको बोर्ड एग्जाम में जो ये 9 वाला टॉपिक है कॉपी में आपको कैसे लिखना है वो पता चल गया और कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी पता चल गया। ये 7 में 7 नंबर आप फिक्स करके आना। अब नेक्स्ट अगर आपको पत्र लेखन पर चाहिए, ये हमारा 10वां टॉपिक है पत्र लेखन, तो आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। जितना हो सके अपना दम लगा दो, कमेंट भी करो, कमेंट में लिखो क्या, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखो क्या, #सरवणलेक्चरर, ठीक है, लिखो ताकि हम भी देखें क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।